हमारे अगले कदम की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हम पेश करेंगे हमारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज में जिन बच्चों ने नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं, उन्हें एजाज से नवाजा जाना है, जिसके लिए मैं आवाज देता हूँ कागजी एजुकेशन सोसाइटी के रुकन अब्दुल रागिब मोमिन को तशरीफ लाएं और प्रोफेशनल कोर्सेज में नुमाया मुकाम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को एजाज से नवाजें, इनामात से नवाजें। अब्दुल रागिब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोमिन मोहम्मद रागिब जलालुद्दीन। कुछ बच्चे जो प्रोफेशनल कोर्सेज में कामयाबी हासिल किए हैं उनको इनामात तकसीम करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जिन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूँ वो जल्द से जल्द स्टेज पर तशरीफ लाए। सबसे पहले शेख उज़मा एजाज अहमद, इस बच्ची ने BSc MLT कम्प्लीट किया है। मैं डॉक्टर सदफ मैडम से गुजारिश करूँगा इस बच्ची को इनामात से नवाजे। शेख उज़मा एजाज अहमद, वो बच्ची मौजूद नहीं हो तो उसके बिहाफ पे कोई भी आ सकता है। शेख उज़मा एजाज अहमद, इसके बाद दूसरा बच्चा है मोहम्मद अरबाज मुस्लिम शेख, इसने ITI इलेक्ट्रिकल में कामयाबी हासिल की है। मोहम्मद अरबाज मुस्लिम शेख, मैं डॉक्टर निसार सर से गुजारिश करूंगा इस बच्चे को इनामात से नवाजे। हाजरीन तालियों से इस्तकबाल करें। अगला इनाम अंसारी काशिफ अहमद शफीक अहमद, इसने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर में कामयाबी हासिल की है। मैं अंसारी जियाउर रहमान सर से गुजारिश करूंगा इस बच्चे को इनामात से नवाजे। अंसारी काशिफ अहमद शफीक अहमद, अगला इनाम शेख महशुमा अब्दुल मजीद, इसने MSc IT में कामयाबी हासिल की है। मैं अंसारी जियाउर रहमान सर से गुजारिश करूंगा इस बच्चे को इनामात से नवाजे। अंसारी महशुमा अब्दुल मजीद, इसके बाद शेख सबीना यूसुफ, इस बच्ची ने DEd में कामयाबी हासिल की है। मैं अंसारी अताउर रहमान सर से गुजारिश करूंगा इस बच्ची को इनामात से नवाजे। अगला इनाम शेख नमरा अशरफ, इस बच्ची ने भी DEd में कामयाबी हासिल की है। शेख नमरा अशरफ, मैं अंसारी अताउर रहमान सर से गुजारिश करूंगा इस बच्ची को इनामात से नवाजे। साइमा बी शेख असलम, इस बच्ची ने डिप्लोमा इन फार्मेसी में कामयाबी हासिल की है। मैं डॉक्टर पटेल नाजिया मैडम को गुजारिश करूंगा इस बच्ची को इनामात से नवाजे। प्रोग्राम के आगे बढ़ाने के लिए मैं मुश्ताक सर को आवाज देता हूं।